ये रिश्ता क्या कहलाता है? नहीं लुक, प्लीज मैं कह रही हूँ ना, मेरी गलती है, I'm really sorry, please, I'm sorry. आरोही, तुम्हें पता है तुम बेस्ट क्या कर सकती हो मेरे लिए? Just get lost. मुझे तुमसे बात क्या? मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखी है. मैं कह रही हूँ ना, मुझे माफ कर दो, I'm sorry, please. क्या करूँ मैं तुम्हारे सॉरी का? जो मुझसे अभी गलती हुई है उसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जो मुझसे सबसे बड़ी गलती हुई ना, वो कि मैंने तुमसे शादी की, उसके बारे में मैं कुछ कर सकता हूँ. तुम्हारा मेरा रिश्ता खत्म. नहीं प्लीज, ऐसा मत बोलो ना, एक चांस तो दो मेरी बात सुनने का, एक बार मेरी बात तो सुन. छोड़ो मेरा. शांत शांत हो जा भाई, इसे बोलो कि मुझसे दूर रहे, वरना मैं अभी बताने क्या कर दूंगा. मुझसे दूर रहे अभी बस. भाई हो ना तुम मेरे. हाँ, मेरी बात सुन लो प्लीज, शांत हो जाओ, काम डाउन. अभी मुझे आपकी बात तब सुननी चाहिए थी जब आपने कहा था कि इसमें ब्लाइंड ट्रस्ट करना ही नहीं चाहिए. इसके लिए मैं फैमिली से लड़ा, आपसे लड़ा, और इसने क्या किया? इसने दिल तोड़ दिया. मैं मेरे इमोशंस के साथ खेलिए, प्रेगनेंसी वाली न्यूज झूठ बताई इसने, मुझे फ्रॉड किया इसने मेरे साथ, और अब मुझे इसके साथ कोई रिश्ता नहीं रखना भाभी. अरे तो मैं कह रही हूँ ना, मेरी गलती है, मैं मान रही हूँ मेरी गलती. हाथ छोड़ो भाभी, इससे कह दीजिए कि मुझे इसके साथ कोई रिश्ता नहीं रखना, मुझे इससे कोई बात नहीं करनी. मत कर बात, मत कर बात, शांत हो जा. भाई मैं शांत हो गया हूँ, अब मुझे कुछ नहीं करना, जो होना था हो चुका है, लेकिन मुझे आरोही से कोई लेना देना नहीं है. एक बार मेरी बात तो सुन लो, मैं हाथ जोड़ रही हूँ तुम्हारे सामने, माफी मांग रही हूँ, I'm sorry. अरे भाड़ में गया तुम्हारा सॉरी, और भाड़ में गई तुम. शांत हो जा, चल ऊपर चल, आराम से बैठ के बात करते हैं, चल. नहीं बात करनी मुझे. नहीं करेंगे, कोई बात नहीं करेंगे, लेकिन शांत हो जा प्लीज. मेरे कहा ना मुझे छोड़ो. प्लीज शांत हो जा. नहीं छोड़ो. क्यों छोड़ना है तुझे? कहा जा रहा है? मुझे अभी किसी से बात नहीं करनी है, मुझे अभी कुछ समझ नहीं आ रहा है. देख गुस्से में ना कुछ समझ में नहीं आएगा, कुछ सोच नहीं पाएगा, शांत हो जा सबसे पहले. मुझे प्लीज अकेला छोड़ दो, मुझे टाइम चाहिए. ठीक ठीक, मुझे टाइम. तो अकेला नहीं है, मन में कोई भी ख्याल आए मुझसे डिस्कस करना. ओके, जानता है ना मैं हूं तेरे साथ. डोंट वरी, शांत हो जा, रिलैक्स. नील तुम्हें अकेला रहना है ना, अकेले रहो, इससे बात नहीं करनी है, मत करो बस प्लीज, तुम शांत हो जाओ, जस्ट काम डाउन प्लीज नील, काम डाउन. पर सोचना पड़ेगा ना भाभी, सोचना तो पड़ेगा, फैमिली को क्या बोलना है, क्या करना है. मैं ही लाया था ना इसे घर में, मेरी गलती है, ठीक भी मुझे ही करना पड़ेगा. मुझे किसी नील, ये सारा सामान ना आप अंदर रखवा दीजिए. हाँ, और संभाल के रखिएगा, कुछ कांच के बर्तन भी है. हे भगवान, आज तो इतनी भीड़ थी मार्केट में. अक्षु, अच्छा हुआ तुझे नहीं लेकर गई मैं, पता नहीं सब के सब, ना तीज ना त्योहार, सब के सब निकल पड़े थे क्या लेने. वैसे ना वो चाट वाले के पास भी बहुत भीड़ थी, फिर भी एक पत्ती लेकर आई हूँ मैं. अभी देख तू गुस्सा मत करना, जरा जरा सा चख लेंगे सबके सब. हाँ, मुंह का स्वाद थोड़ा चेंज हो जाएगा. ये आरोही, बेटा तू क्या, तू इस हालत में ये इतनी भारी भरकम बैग लेकर कहाँ जा रही है? माँ वो मैं बड़ी माँ से मिलने जा रही हूँ. अचानक क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ माँ, वो बस याद आ रही है, मन कर रहा है इसलिए. फिर ठीक है, नील तुझे छोड़ देगा. नील मुझे नहीं छोड़ सकता माँ. अरे नील तुझे स्वर्णा जी के पास छोड़ आएगा, क्यों नहीं छोड़ सकता नील तुझे? हाँ वो
हॉस्पिटल गया है कुछ काम से, इसलिए मैं खुद चली जाऊंगी माँ। अरे नहीं, ऐसी हालत में हम तुझे अकेला भेज देंगे, स्वर्णा जी क्या सोचेंगी, हमारी भी तो कोई जिम्मेदारी है। तू अभी तुझे छोड़ाएगा। हाँ मैम। अभी छोड़ा, ये इसको दे दे, ये ले। अभिमन्यु गाड़ी रोको प्लीज, अभिमन्यु गाड़ी रोको प्लीज, प्लीज गाड़ी रोको। माउथ तो बंद करो अपना, ये नाटक कोई नहीं देख रहा है। मैंने तुमसे पूछा था ये प्रेगनेंसी वाली बात सच है या कोई ड्रामा, पूछा था या नहीं? तुम मानोगे नहीं, पर तब मुझे भी नहीं पता था कि ये फॉल्स अलार्म है। हाँ नहीं मानूंगा कैसे? अच्छा जब पता चला कि ये फॉल्स अलार्म है तब क्या किया तुमने? नील को जाके सच बता सकती थी ना, पूरी दुनिया से लड़ा है वो तुम्हारे लिए। क्या किया तुमने? तब भी अपना ड्रामा करते रहे, और तुम हमेशा करती हो ऐसा हर बार। क्या मजा आता है तुम्हें? हमेशा करती तुम और भुगतना किसी और को पड़ता, और इस बार जो भुगत रहा है ना वो मेरा भाई है, इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। अभिमन्यु ट्रस्ट मी, मेरा इंटेंशन नील को हर्ट करने का नहीं था। मैं नील से सच में प्यार करती हूँ, आई रियली डू केयर फॉर हिम, और ये जो भी हो रहा है मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है। मुझे तो ये सोच के भी डर लग रहा है कि फैमिली को इस बारे में पता चलेगा तो उनका कितना दिल दुखेगा, कितना अफसोस होगा उन्हें। तो मेरी बात का विश्वास नहीं करोगे? पर हाँ, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, हजार बार कर चुका हूँ, लेकिन दोबारा ये गलती नहीं करूंगा। अपने बेटर जजमेंट, अपने इंटेलिजेंस, अपनी गट फीलिंग के अगेंस्ट जाके विश्वास किया था तुम पर, लेकिन अब नहीं, आज के बाद नहीं। आज मेरे भाई की जो हालत है ना वो तुम्हारी वजह से, वो जो रो रहा है, जो पिलक रहा है, वो सिर्फ तुम्हारी वजह से। याद रखना, तुम आज के बाद जिंदगी में कभी भरोसा नहीं करूंगा तुम पे मैं। और तेरी मेरी डोरियां आज शाम 7 बजे स्टार प्लस पर।